please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पाकिस्तान की खराब आर्थिक हालत की वजह से वो चीन का कर्जदार बन गया है। लंदन के अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर तारिक बाजवा ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और इससे उबरने के लिए उसने चीन से करीब 6,800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। अगर पाकिस्तान ये कर्ज नहीं लेता तो उसे मदद के लिए IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास जाना पड़ता और वहाँ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए मिली आर्थिक मदद से जुड़ी पूरी जानकारी देनी पड़ती। हालांकि चीन और पाकिस्तान दोनों ही उस प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक नहीं करना चाहते, इसलिए चीन से चुपचाप पाकिस्तान को भारी भरकम कर्ज दे दिया गया। सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों की मदद करने वाले लोगों को इनाम देने की दिल्ली सरकार की योजना लागू हो गई है। ये योजना दिल्ली की कैबिनेट की मंजूरी के 18 महीने बाद लागू हुई। योजना के तहत किसी सड़क हादसे के वक्त घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 2,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सरकार का दावा यह भी है कि मदद करने वाले व्यक्ति को हादसे की जांच के दौरान पुलिस परेशान नहीं करेगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार की तरफ से मदद करने वाले व्यक्ति को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। हादसे के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले लोग अगर एक से ज्यादा होते हैं तो इनाम की राशि के 2,000 रुपए भी मददगारों में बराबर बराबर बांटे जाएंगे। योजना को लागू करने के लिए जो तरीका बनाया गया है उसके मुताबिक जब भी सड़क हादसे में घायल किसी व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जाएगा उसी वक्त मददगार को अपना नाम, पता और बैंक अकाउंट नंबर देना होगा। फिर ये जानकारियां जिले के CDMO यानी चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर तक पहुंचाई जाएंगी और CDMO की सिफारिश के बाद मददगार के बैंक खाते में इनाम के 2,000 रुपए जमा करा दिए जाएंगे। दिल्ली की सड़कों पर हर साल तकरीबन 8,000 सड़क हादसे होते हैं, तो हर साल सड़क हादसों में करीब 1,600 लोगों की जान चली जाती है और 15,000 से 20,000 लोग ऐसे हैं जो सड़क हादसों में जख्मी हो जाते हैं। दिल्ली में ऐसे कई हादसे हुए हैं जब सड़क पर मदद की गुहार लगा रहे घायलों की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। लोगों के बीच बढ़ रही इस संवेदनहीनता को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने इस योजना को शुरू किया। BSF ने 8 पाकिस्तानी रेंजर्स मार गिराए। BSF ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई में उसके 8 रेंजर्स को मार गिराया और कई बंकर नष्ट कर दिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज कैराना उपचुनाव को लेकर शामली में एक चुनावी सभा करेंगे। यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन पर खुद को सांसद प्रतिनिधि बताकर रेलवे अधिकारी से मारपीट करने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यूपी के फिरोजाबाद में कारखाने के कबाड़ गोदाम में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। SSC पेपर लीक मामले में CBI ने 17 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक झोलाछाप डॉक्टर की इलाज में लापरवाही की वजह से एक ITI के छात्र की मौत हो गई। बिहार के बेगूसराय में पुलिस एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार करने के बाद गुप्त ठिकाने पर ले गई। यूपी के फतेहपुर में फोन पर बात करने से खफा एक आदमी पर पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने का आरोप लगा। झारखंड के हजारीबाग में पुलिस ने छापा मारकर 300 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त की। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के थाने में कुछ पुलिस वाले जैसे ही एक आदमी को लेकर पहुंचे तो मीडिया वालों में उसकी फोटो खींचने की होड़ लग गई। पुलिस ने दावा किया कि देव प्रताप नाम के इस आदमी ने कई सांसदों और VIP के फर्जी लेटर हेड का इस्तेमाल रेल के टिकट कन्फर्म करवाने में किया, लेकिन उसके फर्जीवाड़े का पता चलने पर उसे लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया और मुंबई की रेलवे पुलिस को सौंप दिया गया। कम से कम उससे 11 लोग ऐसे फेक यूज किया है लेटर्स, उनके PNR नंबर देके इन्फॉर्मेशन ली है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आए आरोपी ने यूपी के कुशीनगर से सांसद राजेश पांडे, महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी के फर्जी लेटर हेड का इस्तेमाल भी किया। साथ ही महाराष्ट्र के कई बड़े अधिकारियों के फर्जी लेटर हेड के इस्तेमाल का आरोप भी देव प्रताप पर लगा। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी बीते 2 साल से इस काम को अंजाम दे रहा था।